उनका यही कथन है कि यदि नहीं जीत पाएंगे तो आप तो देखिए ना, सातों सीट हम जीत गए, तो सातों सीट जीते हैं तो गाजीपुर के कार्यकर्ताओं और अखिलेश जी के चेहरा और समाजवादी सोच की वजह से जीते हैं। इसलिए समाजवादियों को मैं पुनः बधाई धन्यवाद, और फिर हम कहेंगे कि हम 24 तक कल से बैठेंगे नहीं, हम पूर्वांचल में मोदी जी को कल से बैठने नहीं, इसे देखा जाता है, देखेंगे जन जन समस्या उसके लिए आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं मानेंगे तो हम अधिकारी से बात करेंगे, जो हमारे मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए वो उसको तत्काल दिलवाया जाए। आज मनरेगा में 21% कटौती कर दी गई है, हम उसके लिए जमीन पर लड़ेंगे और कहेंगे कि ये गरीब का जनपद है, यहाँ का लोकसभा का सांसद श्री विश्वनाथ सिंह गवई ने 2 घंटा 5 मिनट लोकसभा में बोला है और रो रो के बताया कि यहाँ गरीबी का आलम यह है कि हम गोबर से निकला हुआ अनाज खाते हैं और इस जनपद में कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है। हम जरूर कहेंगे मनरेगा के विशेष अवसर दिया जाए यहाँ पर, जिससे किसी ज़माने में इंटेंसिव जलवायु चल रही थी उसी तरह विशेष मनरेगा योजना को गाजीपुर में लागू किया। सर देखा जाए तो गाजीपुर में हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, सर इस पर आपका क्या कहना है? गाजीपुर में सब कुछ खराब कर दिए सब 5 साल, यही क्या स्टेडियम को पैसा दिया गया वो भी कम्प्लीट नहीं हुआ, हॉस्पिटल कोई कम्प्लीट नहीं हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं हुआ, डॉक्टरों की कोई नियुक्ति नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज नहीं चलाया गया कायदे से, मेडिकल कॉलेज में आज भी स्टाफ पूरा नहीं है, ये ठीक ही क्या किए हैं? जो भी ठीक हुआ समाजवादी पार्टी के समय से ठीक हुआ और कोई कमी नहीं। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो, खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। आप देख रहे होंगे इस टीवी स्क्रीन पे, आपको यही दिखाने का प्रयास करूंगा, ओम प्रकाश जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, ओम प्रकाश सिंह जी जो जमनिया विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी हैं, इस समय वो पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही होना, कैसे बच्चे हैं भगवान जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार हो गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार, और ये सातों सीट जीत कर गाजीपुर की जनता ने जो महान काम किया है उनको हम लोग बधाई चाहे दिल से। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादियों ने हमेशा गाजीपुर के बुरे दिन में वो या अच्छे दिन में गाजीपुर की महान जनता ने बड़ा सहयोग सामंजस्य भरोसा और विश्वास जताया है, हम उसके लिए आभारी हैं। और ये सही है, इस चुनाव में धन और जन दोनों को खुलकर इन लोगों ने खुराफात किया है, बुलडोजर दिखाना, किसी जात धर्म और मजहब को डराना धमकाना, और कोई ऐसा कर्म नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। मंत्री जी ये अपने आप में बहुत घटिया घटना और गंदा काम है, और मैं जरूर चाहूँगा लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा की भी बात करती है भारतीय जनता पार्टी, स्वच्छता की बात करती है। सर योगी सरकार के चरित्र की बात करती है, चाल चलन की बात करती है, तो ये चाल चलन नहीं है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और यह हुकूमत जो एन केन प्रकरण इन्होंने कब्जा किया है वो जनता की विश्वास तो नहीं जीत पाएगी, सत्ता की विश्वास नहीं। मतलब गठबंधन ने सोचा था हम सरकार बनाएंगे तो कहीं कोई चूक रह गई आप लोगों की तरफ से या फिर और कुछ? चूक तो नहीं, ये लोग अपना खेल खेलने में बाज नहीं आए, उन्होंने धन और जन और सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग किया, जहाँ कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया सरकारी कर्मचारियों का वहाँ हम लोग का रिजल्ट कहने नहीं चाह रहा। गाजीपुर का प्रशासन का कैसा रुख रहा आप लोगों? गाजीपुर के प्रशासन हम लोग इतने खुद मजबूत थे तो हर तरह से टाइट थे, किसी भी तरह का कोई मौका देने के लिए हम तैयार थे और हर पहलू पर तैयार थे, बक्सा गोड़ने से लगाए बूथ के बक्सा पहुंचवाने से लगाए काउंटिंग कराने से लगाए और सब कुछ इशू पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए उनको धन्यवाद बधाई, और यही समाजवादी की असली पहचान है,
जो संघर्ष में निखर गया। ये माना जाए कि अपने दमखम पे समाजवादियों ने गाजीपुर की सातों सीट जीती। वही दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर, उनकी नीति पर, उनके विश्वास पर, उनके भरोसा पर, और प्रकाश जी गठबंधन के नेता थे, सबने जो मिल कर चाहे संजय चौहान साहब आए और सब लोगों ने मिलकर जो संगम बनाया था, वो संगम भी गाजीपुर का कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं रहा, एक नया पैगाम देने का। इस जीत को आप लोग किस रूप में देखते हैं? इस जीत को तो हम कह रहे हैं कि जनता की जीत को मैं मानता हूँ। जनता कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर में खारिज कर दी है, और यह मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भले जोगी जी राज कर लें, गाजीपुर में तो समाजवादी का ही राज। सर, योगी सरकार का दावा था कि भाजपा सरकार एक भी सीट नहीं निकालेगी गाजीपुर से, इस पे आपका क्या कहना है? भाजपा पार्टी का कहना था कि सपा एक भी सीट यहाँ से नहीं निकाल पाएगी, सर इस पे आपका क्या कहना है? अरे भाई, झूठ बोलने के सौदागर है, ये झूठ बोलने के कुतुब मीनार है, ये कुछ बोल सकते हैं। इनको लोकतंत्र में लोक और लाज से चलता है, इनके पास न लोक है न लाज है। ये अपने तरह के अद्भुत लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तो ये तो जोगी जी तो अपने को बुलडोजर बाबा कहने में मशहूर करे, पायलट बाबा थे कभी जमाने में, भी बुलडोजर बाबा हो गए हैं। तो उनका यही कथन है कि यदि नहीं जीत पाएंगे तो आप तो देखिए ना, सातों सीट हम जीत गए, तो सातों सीट जीते हैं तो गाजीपुर के कार्यकर्ताओं और अखिलेश जी के चेहरा और समाजवादी सोच की वजह से जीते हैं। इसलिए समाजवादियों को मैं पुनः बधाई धन्यवाद, और फिर हम कहेंगे कि हम 24 तक कल से बैठेंगे नहीं, हम पूर्वांचल में मोदी जी को और जोगी जी को कल से बैठने नहीं। सर, आप जन समस्याओं को कैसे देखेंगे? जन समस्याओं को जैसे देखा जाता है देखेंगे, तो जन समस्या उसके लिए आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं मानेंगे, हम अधिकारी से बात करेंगे, जो हमारे मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी मिलनी चाहिए वो उसको तत्काल दिलवाया जाए। आज मनरेगा में 21% कटौती कर दी गई है, हम उसके लिए जमीन पर लड़ेंगे और कहेंगे कि ये गरीब का जनपद है, यहाँ का लोकसभा का सांसद श्री विश्वनाथ सिंह का मैंने 2 घंटा 5 मिनट लोकसभा में बोला है और रो रो के बताया कि यहाँ गरीबी का आलम यह है कि हम गोबर से निकला हुआ अनाज खाते हैं और इस जनपद में कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है। हम जरूर कहेंगे मनरेगा के विशेष अवसर दिया जाए यहाँ पर, जिससे किसी ज़माने में इंटेंसिव जलवाई चल रही थी उसी तरह विशेष मनरेगा योजना को गाजीपुर में लागू किया। सर, देखा जाए तो गाजीपुर में हॉस्पिटलों की स्थिति खराब है, सर इस पर आपका क्या कहना है? गाजीपुर में सब कुछ खराब कर दिए सब 5 साल, यही क्या स्टेडियम का पैसा दिया गया वो भी कम्प्लीट नहीं हुआ, हॉस्पिटल कोई कम्प्लीट नहीं हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं हुआ, डॉक्टर को कोई नियुक्ति नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज नहीं चलाया गया कायदे से, मेडिकल कॉलेज में आज भी स्टाफ पूरा नहीं है। ये ठीक ही क्या किए? जो भी ठीक हुआ समाजवादी पार्टी के समय से ठीक हुआ, और कोई कमी नहीं। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओम प्रकाश मंत्री जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, बेहद अच्छा लगा और काफ़ी खुशी की लहर है देखा जाए।